Hey guys, welcome to the Android Guy channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको Snapdragon 7 Gen 3 को कंपेयर करने वाला Snapdragon 7 Gen 1 के साथ और बताने वाला हूँ कि इन दोनों चिपसेट में क्या क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज है, क्योंकि इन दोनों चिपसेट के साथ जो फोन आ रहे हैं इंडियन मार्केट में वो 25,000 से 30,000 के अराउंड आ रहे हैं। तो इन दोनों चिपसेट्स में जो लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा चिपसेट के साथ जो है वो फोन परचेस करना चाहिए, उस कंफ्यूजन को आज मैं क्लियर करूंगा कि कौन सा चिपसेट आपको बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। सो गाइस, Snapdragon 7 Gen 3 एंड Snapdragon 7 Gen 1 पे आते हैं तो यहाँ पे स्पेक्स देख सकते हैं, जो इसके इंटरनल स्पेक्स जो आते हैं, इसके आर्किटेक्चर कोर्स और इसके जो है वो आपको फ्रिक्वेंसीज सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें डिफरेंसेस मिलते हैं, जैसे कि सीपीयू फ्रिक्वेंसी में आपको Snapdragon 7 Gen 3 में 2630 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मिलता है, Snapdragon 7 Gen 1 में आपको 2400 मेगाहर्ट्ज़ का, दोनों ही में आपको सेम साइज मिल जाता है। एंड जो GPU है वो आपको Adreno 720 मिलता है Gen 3 में, एंड Gen 1 में आपको Adreno 644 का। एंड मेमोरी टाइप में भी Gen 3 में आपको LPDDR5 मिलता है, Gen 1 में आपको LPDDR5 का मेमोरी टाइप दोनों ही में मिलता है। एंड यहाँ पे आपको ब्लूटूथ सपोर्ट में आपको Gen 3 में ब्लूटूथ 5.4 मिलता है एंड Gen 1 में आपको ब्लूटूथ 5.3। सो गाइस, ये सब जो इनके इंटरनल स्पेक्स हैं, बात करते हैं कि परफॉर्मेंस ये कैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले CPU परफॉर्मेंस पे आते हैं, तो Snapdragon 7 Gen 3 जो है वो बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। गेमिंग परफॉर्मेंस पे आते हैं तो यहाँ भी Snapdragon Gen 3 बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। बैटरी लाइफ आपको दोनों ही में सेम मिलता है क्योंकि दोनों का साइज बिल्कुल सेम है 4 नैनोमीटर। एंड नैनो रिव्यू स्कोर है उसमें भी आपको Snapdragon 7 Gen 3 का बेटर परफॉर्मेंस है। इंटूटिव स्कोर में भी Snapdragon 7 Gen 3 का बेटर परफॉर्मेंस, एंड Geekbench में भी आपको Snapdragon 7 Gen 3 का बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है। सो गाइस, यहां पे इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो बेटर परफॉर्मेंस है वो Snapdragon 7 Gen 3 दे रहा है। टोटल जो है आपको 23% का जो है वो बेटर परफॉर्मेंस और अपग्रेड जो है वो Snapdragon 7 Gen 1 से देखने को मिलेगा। एंड Snapdragon 7 Gen 3 में आपको 10% हायर जो है वो क्लॉक स्पीड मिल रहा है, CPU क्लॉक स्पीड इन कंपेयर टू Snapdragon 7 Gen 1। सो गाइस, मेरा मानना है कि इन दोनों चिपसेट्स के साथ अगर आप फोन परचेस कर रहे हैं और आपको अगर हैवी गेमिंग करना है, हैवी फोन यूजेस है आपका, तो आप Snapdragon 7 Gen 3 वाले फोन के साथ जा सकते हैं इन कंपेयर टू Snapdragon 7 Gen 1। सो गाइस, ऐसे और वीडियोस जो है वो चिपसेट्स के मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं, तो आप जो है वो उसको वीडियो के एंड स्क्रीन से जाकर चेकआउट कर सकते हैं।